नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्च। लखनऊ एक संदेश गया है, संदेश दिल्ली से गया। उस संदेश में कुछ ऐसा है जिससे अखिलेश यादव भी भौचक्के रह गए, और साथ ही कुछ ऐसा है जिससे बीजेपी के पांव के नीचे की जमीन भी खिसकने लगी है, बीजेपी भी हिल गई है। अब आप सोचिए कि ऐसा क्या संदेश गया होगा कि अखिलेश यादव भी अचरज में है, भौचक्के हैं, सोच विचार में लग गए हैं, और भारतीय जनता पार्टी भी उस मैसेज से घबराई हुई है, बौखलाई हुई है, हताशा में जा रही है, नए सिरे से रणनीति बना रही है। भाजपा में लखनऊ के दफ्तर से लेके दिल्ली के दफ्तर तक दिल्ली के एक संदेश से नए सिरे से रणनीति बनानी शुरू हो। उस संदेश में ऐसा क्या है, संदेश भेजा किसने, एक एक कड़ी खुलेगी इस वीडियो, इस पे हम चर्चा भी करेंगे। ये खबर निकाल कर लखनऊ से लाए हैं आलोक पाठक, उनको जोड़ेंगे, वो एक एक सिरे को खोलेंगे। लेकिन शुरुआत समझिए, ये संदेश दिल्ली के कांग्रेस दफ्तर से, ये प्लान तैयार किया है कांग्रेस की टॉप लीडरशिप ने, जिसमें खुद राहुल गांधी शामिल है। और इस संदेश को तैयार करने में सिर्फ राहुल गांधी अकेले नहीं है, राहुल गांधी के साथ बहन जी यानी मायावती भी है, इसमें नीतीश कुमार भी हैं। चर्चाएं जो हैं आगे आप समझेंगे कि नीतीश कुमार की आखिर इसमें क्या भूमिका है, नीतीश कुमार भी इसमें, इसमें जयंत चौधरी भी शामिल है। बड़ा अद्भुत है मामला ये। अब इसको समझने के लिए हम सीधे आलोक पाठक के पास चलते हैं, लखनऊ से जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी आलोक पाठक। आलोक जी, ऐसा संदेश गया क्या है, आप संदेश बताएं, फिर हम आगे और कुछ समझने की कोशिश करें। आखिर दिल्ली से ऐसा कौन सा संदेश कांग्रेस के दफ्तर से समाजवादी पार्टी के दफ्तर में भेजा गया, क्या है वो संदेश, डिकोड करिए इसको। देखिए, संदेश साफ साफ भेजा गया, समाजवादी पार्टी के दफ्तर में नहीं भेजा गया, वो सीधे अखिलेश जी के पास भेजा गया। जो सूत्र बता रहे हैं उसमें बोला गया है कि आप 30 या 35 सीटों पे लड़िए, बाकी जो 45 सीटें हैं उसमें हम बसपा, मतलब कांग्रेस, बसपा, आरएलडी और एक चौंकाने वाले नाम, दो नाम और आए हैं कि उसमें जनता दल यूनाइटेड और आरजेडी सबको एडजस्ट कर दिया गया। तो ये एक चौंकाने वाला फैसला है, कई लोगों को लग रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद इस पूरी घटनाक्रम पे काफी दिनों से काम हो रहा था, क्योंकि पहले राहुल गांधी कह चुके थे और कांग्रेस के एक बड़े नेता ने मुझसे कहा था कि यूपी में जो भी होगा वो अखिलेश यादव जी की सहमति से, तो हो सकता अखिलेश जी ने सहमति दे दी हो कि भाई आप लोग पहले आपस में बात कर लीजिए। तो ये एक प्रपोजल गया है, आया है लखनऊ, और इससे भाजपा की नींद उड़ गई है, क्योंकि अब इससे दो बातें क्लियर होती हैं, एक तो बसपा आ रही है गठबंधन में, दूसरा अगर जेडीयू यूपी में सीट मांग रही है इसका मतलब नीतीश कुमार यूपी से ताल ठोकेंगे। अब बीजेपी क्या, बीजेपी की समझ में नहीं आ रहा कि एक तरफ तो हम राम मंदिर की तैयारी कर रहे हैं, 22 तारीख को हम ये मान के चल रहे थे कि हम तो 70-80 सीटें 70-75 सीटें जीतने जा रहे थे, और ये जो घटनाक्रम हुआ अगर ये हो गया तो उनके लिए 35-40 का भी आंकड़ा पहुंच पाना बड़ा मुश्किल है। देखिए, लेकिन ये संकेत साफ आ रहे हैं, और कल से थोड़े थोड़े सिग्नल आने लग गए थे, लोगों को बीजेपी वाले बड़े प्रसन्न थे कि 31 दिसंबर तक सीट एडजस्टमेंट होना था, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला आना था, नहीं आया, तो भाजपा वाले बड़े प्रसन्न थे कि चलो यार मैदान साफ है। प्लस उधर नीतीश जी ने जो किया कि ललन सिंह को हटा के अपने को अपने बन गए, तो इस घटनाक्रम को बीजेपी के लोग अपने पॉजिटिव रूप में देख रहे थे। लेकिन आज का जो घटनाक्रम है और जो जो सूचना अखिलेश यादव तक भेजी गई है, वो तो मुझे लगता है कि इस वक्त अमित शाह और मोदी जी की भी नींद उड़ गई होगी, क्योंकि आप कितना डेडली कॉम्बिनेशन मतलब नहीं, देख रहे हैं। उड़ गई होगी पे नहीं बात, आप ये बताइए, आप लखनऊ में बैठे हैं, लखनऊ भाजपा के भीतर क्या हलचल है, क्योंकि ये संदेश अगर आप तक किसी सूत्र से आया है तो
तो भाजपा का इंटेलिजेंस और मजबूत, भाजपा के पास भी ये खबर गई होगी। अगर गई है तो क्या आपको बीजेपी में भी आपके लोग हैं, आपकी बातचीत होती है, बीजेपी के भीतर से कोई ऐसी खबर है कि अंदर खलबली सी मची हो? क्योंकि ये खलबली मचाने वाली खबर है, अगर ये खबर सच है तो। देखिए बीजेपी के अंदर खलबली तो ये मची हुई है कि पहला काम तो किसी तरह से राजभर को पकड़े रहे, क्योंकि अब बीजेपी की क्या है, बीजेपी बेचैन हो गई है कि कहीं इतना बड़ा गठबंधन हो गया, कहीं अनुप्रिया पटेल भी नाराज होकर ना चल दे। राजभर तो नाराज, कल नाराजगी जता के आई ही है, संजय निषाद भी है। तो बीजेपी का बेसिक पर्पज ये कि अभी जो है हमारा जो खेमा है, हमारा जो कुनबा है, उसको हम मजबूत करें और कितना कम से कम डैमेज हो। अब वो 80 की बात भूल गए कि 80 में 80 जीतनी है, अब ये देखना है कि 64 में से हमारे कितनी कम से कम सीट घटेंगी। इस पे काम होना शुरू हो गया है, क्योंकि तो अब आज की घटनाक्रम के बाद बीजेपी को लग गया है कि अब ये गठबंधन जमीन पे लगभग उतर चुका है। अब ये आलोक जी ये गठबंधन जमीन पे उतर चुका है ये कहना अभी थोड़ा जल्दी मुझे लग रही है, जल्दबाजी होगी, कुछ बातें समझनी और जरूरी है। नीतीश कुमार, आपने कहा कि नीतीश कुमार इस स्टेट में जो 50 सीट, 45 से 50 सीट जो कांग्रेस अपने पास रख रही है, कह रही है कि 30 से 35 अखिलेश जी अपने मन से चुन लें, पूरे प्रदेश में जो भी 30 सीट या 35 सीट जो भी जिस पर उंगली रख देंगे वो समाजवादी पार्टी की होगी, बाकी में कांग्रेस बहन जी, नीतीश कुमार, जयंत चौधरी, ये सारे लोग मिलके बंटवारा करेंगे बाकी सारी। अगर जेडीयू यानी नीतीश कुमार यहां पर शामिल हो रहे हैं तो क्या नीतीश कुमार ये बात सीधे अखिलेश यादव से नहीं करते, वाया कांग्रेस क्यों जाते? क्योंकि नीतीश और अखिलेश इनकी सीधी बातचीत है, यहां तक कि जेडीयू की तरफ से जो बयान भी आए अभी जब जेडीयू की नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग थी दिल्ली में, उस वक्त केसी त्यागी ने जब सवाल किया केसी त्यागी से पत्रकारों ने, नीतीश कुमार फूलपुर से चुनाव लड़ेंगे क्या, उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ेंगे क्या, तो केसी त्यागी ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी दो दिवसीय बैठक के बाद, उसमें केसी त्यागी ने कहा कि ये फैसला तो अखिलेश यादव को करना है, अखिलेश यादव नीतीश जी से जैसा बात करेंगे वैसे फाइनल होगा। तो जब नीतीश जी और अखिलेश जी ये सीधे बात कर सकते हैं दोनों, तो फिर बीच में कांग्रेस की एंट्री क्यों, वाया कांग्रेस क्यों गया ये मामला? क्योंकि मैं एक और इंफॉर्मेशन दे दूं, खबर एक ये भी है और वो संभवतः आज ही फैसला होना है, किसी भी वक्त ऐलान होना है, औपचारिक रूप से इंतजार हम भी कर रहे हैं कि नीतीश कुमार से राहुल गांधी की सीधी बात हुई है फोन पर, खड़गे साहब की सीधी बात हुई है फोन पर, और जो पूरा धुंध बना हुआ था इंडिया अलायंस पर नीतीश कुमार की भूमिका को लेकर के, उससे छट गया, वो धुंध छट गई है और नीतीश कुमार औपचारिक रूप से इस इंडिया अलायंस के सारथी यानी संयोजक कन्वीनर बनेंगे, आज उसका किसी वक्त ऐलान हो सकता है, ये सारी खबरें हैं। लेकिन इन खबरों के बीच ये समझना बहुत जरूरी है कि सीधे अखिलेश यादव से जेडीयू के स्टेक को लेकर के, जेडीयू की हिस्सेदारी को लेकर के अखिलेश यादव से न बात करके वाया कांग्रेस क्यों ये बात हुई? आलोक जी, उसका कारण ये है कि वो चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी जितनी सीटों पर लड़ना चाहे वो लड़े, जो जिनको सेलेक्ट करते उन पे लड़े। बेसिक पर्पस ये है इंडिया अलायंस का ये है, और अखिलेश यादव ने शुरू से कहा है, इंडिया अलायंस में आने के पहले भी कहा था कि हम तो भाजपा को हराने के लिए, मोदी को रोकने के लिए हर कुछ हर कुर्बानी देने को तैयार। तो भाई एक बातचीत हो गई, 35 सीटें या 30 सीटें जो आपको लड़नी आप लड़ लीजिए, और बाकी जो 45 सीटें हैं उसमें कांग्रेस का, बसपा का, आरएलडी का और जेडीयू कितनी सीटें लेनी है ये लोग आपस में बैठ के तय कर लेंगे। मतलब कि ये क्लियरिटी हो गई है कि आप 35 सीटों की अपनी तैयारी कीजिए, 45 सीटों पर हम लोग करेंगे। और देखिए जो कल जो आया है उनका न्याय यात्रा का प्लान, तो सबसे ज्यादा यूपी में ही ट्रेवल कर रही है न्याय यात्रा, और वो बनारस के पास से घुस के वो जाएगी इलाहाबाद, इलाहाबाद से अमेठी, अमेठी से फिर लखनऊ होते हुए, बरेली होते हुए वो अलीगढ़ होते हुए निकलेगी। तो जो सब कुछ हो रहा है वो ठंडे दिमाग से बहुत अच्छी प्लानिंग के साथ हो रहा है,
भी अब की बार इंडिया गठबंधन ने जो स्ट्रेटजी अपनाई जो मुझे समझ में आ रहा है कि वो रहा है कि भाजपा को एनडीए को कंफ्यूज करने के लिए ऐसे सिग्नल दे दे रहे हैं, या अति उत्साह में भाजपा की मीडिया मीडिया के जरिए भाजपा के जो चैनल है वो क्रिएट करना चाहते हैं कि यहाँ बड़ा जबरदस्त एकता नहीं है, सीट बंटवारे को लेकर बहुत जबरदस्त आपस में मनमुटाव चल रहा है। ये एनडीए के जो चैनल है या उनके पत्रकार ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप ये सोचिए कि न्याय यात्रा का जब कल प्लान आया तो वो सबसे कम टाइम वो बिहार में कर रहे हैं, सबसे कम, इसका मतलब बिहार के बारे में वो एकदम कॉन्फिडेंट है। वो ज्यादा टाइम कहाँ बिता रहे हैं, वो झारखंड में बिता रहे हैं, छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ के बाद पूरा सबसे बड़ा लंबा रूट जो है उनका वो यूपी में है। इसका मतलब उनको पता है, ये क्लियर है कॉन्सेप्ट कि बिहार तो हमारे पॉकेट में इंडिया गठबंधन का, यूपी को अगर हमने फाइन ट्यून कर लिया तो जैसे कल आलोक जी मैं रोकूंगा, आलोक जी हम डायरेक्शन दूसरे जा रहे हैं, जिस विषय पर कि बहन जी की एंट्री हो रही है, बहन जी की एंट्री में कोई रोड़ा है या नहीं है, अगर कोई रोड़ा नहीं है तो क्या अखिलेश यादव तैयार हैं, अखिलेश यादव अगर तैयार हैं तो बहन जी कितनी सीट पर लड़ेंगे, जयंत कितने पे, जेडीयू कितने पे, कांग्रेस कितने पे, हम इस विषय पर चर्चा करें तो बेहतर होगा। और रही बात उस रूट की, तो उस रूट पर बहुत ही हमारे चैनल पर ही एक डीप एनालिसिस हमने किया है, जो रूट चुना है राहुल गांधी ने वो रूट कांग्रेस को ध्यान में रख के चुना है। बिहार में कांग्रेस मुश्किल 4 से 5 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उस रूट में बड़ा गौर करें दर्शक, मैप में जाकर के देखेंगे, उस रूट में किशनगंज अररिया है जो एकमात्र किशनगंज की सीट जहां से कांग्रेस का सांसद है, वो रूट घूम करके फिर झारखंड चला जाता है वहीं से, और झारखंड से फिर बिहार में एंट्री करके करता है सासाराम में, जो सीट कांग्रेस की गढ़ हुआ करती थी, जहां से बाबू जगजीवन राम की पुत्री मीरा कुमार, महिला दलित फेस, वो वहां से सांसद हुआ करती थी, और फिर वहां से चंदौली बनारस से घुसते हुए, ताकि बनारस तो माहौल बने कि नरेंद्र मोदी को उनके इलाके में घेर करके टाइम वहां पर उनका लगे, ये ना हो कि फॉर ग्रांटेड हो जाए कि मोदी जी कहीं भी रहेंगे बनारस में जीत लेंगे, वहां से गुजरते हुए और फिर जौनपुर, जौनपुर के बाद जौनपुर आकर के प्रयागराज में एंट्री हो रही है, और प्रयागराज से निकल करके सुल्तानपुर में एंट्री हो रही है अमेठी, और वहां से फिर रायबरेली में एंट्री हो रही है, रायबरेली से लखनऊ में एंट्री हो रही है, लखनऊ से सीतापुर में एंट्री हो रही है, सीतापुर से लखीमपुर में एंट्री हो रही है, लखीमपुर से शाहजहांपुर में एंट्री हो रही है, शाहजहांपुर से बरेली में एंट्री हो रही है, और बरेली से फिर एक शार्प टर्न होता है बदायूं की तरफ, बदायूं एटा, और एटा फिर अलीगढ़, अलीगढ़ से हाथरस, और हाथरस से आगरा, और आगरा के बाद फिर गुना और ग्वालियर एमपी में जा रहा है। ये पूरा का पूरा रूट मैंने बताया। इस रूट में अगर बदायूं और एटा को छोड़ दिया जाए, बदायूं एटा को, तो बाकी जो इलाका है जब सीट शेयरिंग की बात आएगी, कितने पे भी हो सकता है 10 पे, क्योंकि बहन जी भी आएंगी तो हो सकता है 10 पे बात बने, बहन जी नहीं आएंगी तो हो सकता है 20 पे चुनाव लड़े कांग्रेस। लेकिन ये रूट जो है, ये मैं एक एक सीट का बताया था, ये कांग्रेस की वो सीटें हैं जो कांग्रेस अपने बुरे दौर में, जब उत्तर प्रदेश में बुरे दौर में रही है, तब भी इनमें से तमाम सीटों पर विजय प्राप्त की है। वो चाहे आपकी, वो तो बेल्ट ही है उनका, रायबरेली, सुल्तानपुर, अमेठी, संजय सिंह, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, और वहां से लेकर के आपका शाहजहांपुर, जितेंद्र प्रसाद, जितिन प्रसाद का इलाका जो भाजपाई हो गए, बरेली प्रवीण सिंह आयरन का इलाका जहां से सांसद हुआ करते थे संतोष गंगवार से पहले, जीते बीच में भी जीते, संतोष गंगवार को भी हराए प्रवीण सिंह आयरन, लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी उस सूची में है जो कांग्रेस चाह रही है लड़ना। तो बदायूं और एटा, धर्मेंद्र यादव, हाँ, इस रूट से समाजवादी पार्टी को भी फायदा होगा, इंडिया अलायंस को भी फायदा होगा। मैंने चर्चा इसलिए इस रूट का कर दिया, हम विषय से फिर बाहर हुए, लेकिन चर्चा इसलिए जरूरी थी इसका करना, क्योंकि इस रूट को समझ पाए, मैंने पूरा डिटेल एक वीडियो में बताया इस रूट को लेकर। अब हम फिर उस विषय पे आते हैं जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं। अगर 35 सीट, हम अपर लिमिट लेकर के चलते हैं 35 सीट, ये पहले से जानकारी आप भी समाजवादी पार्टी के भीतरी सूत्रों से आपके पास ठोस जानकारियां आती हैं, आपके मुताबिक अन्य समाजवादी पार्टी के भीतर से जो आई खबरें उन सब के मुताबिक ये था कि अखिलेश यादव 60 सीट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं,
लेकिन 60 सीटों में भीतर से यह आपकी भी खबर है कि 35 सीटें ऐसी चिन्हित की हैं समाजवादी पार्टी ने, अखिलेश यादव ने, जहां पर दमदारी से मतलब जान झोंक करके लड़े, झोंक देंगे सब, सारा कोई तंत्र सिस्टम जो भी होगा कार्यकर्ता सब झोंक देंगे, यानी 35 सीटों पर जीत का लक्ष्य लेकर। अब ऑप्शन घूम फिर के वही आ गया, अगर कांग्रेस कह रही है कि 30 से 35 सीट, 30 सीट बोल रही है, मान लिया 35 पर रुकता है, तो अखिलेश यादव को तो जो चाहिए था, अच्छा गेंद अखिलेश यादव के पाले में डाली गई है कि वो आप 35 सीट आप पहले चुन लो, हम लोग बाद में चुने, पहले आप चुन लो आपको कौन सी चाहिए। तो फिर अखिलेश के लिए तो बड़ा कंफर्ट जोन है ये, इसको हो सकता है कि समाजवादी पार्टी से जुड़े लोग कहें कि देखिए तो वीडियो में हमारे फैसले बता रहे हैं, ये कौन है या गलत बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कंफर्ट जोन है, बतौर राजनीतिक विश्लेषक, बतौर एक पत्रकार जो हम समझते कि कंफर्ट जोन है, 35 आप चाहते थे, गंभीरता से लड़ना, 35 आपको दे दिया गया, बची 45। 45 सीट में बंटवारा अगर हो तो जो मुझे समझ में आ रहा है, मायावती 30 से नीचे तो तैयार नहीं होंगी, एक शर्त पे हो सकता है कांग्रेस से अगर बातचीत हो तो एक शर्त पे हो सकती है बात, और इंडिया अलायंस को उससे बड़ी ताकत मिलेगी। वो तथ्य है मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, इन राज्यों में बहन जी को एक एक सीट कम से कम दे दी जाए, हो सकता है बहन जी दो दो मांग लें लेकिन एक एक सीट दे दी जाए। और ये वो ऐसे राज्य हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश, जहां पर 14-19 हमेशा कांग्रेस का सुपड़ा साफ रहा है, मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा छोड़कर, छत्तीसगढ़ में एक बुरी स्थिति है। अगर यहां पर मायावती सीट मांगती हैं तो मायावती को मुझे लगता है कि कांग्रेस को सीट देने में ऐतराज भी नहीं होना चाहिए, और इसका बड़ा लाभ मिल सकता है। मैंने बिहार में बात किया, बिहार के समीकरणों को समझा, तो बिहार में भी एक डिवोटेड मतदाता मायावती के साथ है, बिहार में भी शायद एक सीट पर बात बन सके, कांग्रेस हो सकता है एक सीट की के लिए वो करे, कुर्बानी करे। तो अगर ये समीकरण बनता है राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, यहाँ तक कि हरियाणा, हरियाणा में बहुत बड़ी संख्या है दलितों की, और मायावती नो डाउट आज भी सिंगल फेस अगर देखा जाए दलितों के सबसे बड़े लीडर के रूप में, तो मायावती ही है, भले मायावती सिर्फ ट्विटर तक राजनीति से मट गई मोदी के दौर में, लेकिन आज भी सबसे बड़ी फेस है। अगर वो फेस फिर से मैदान में उतरेगा तो परिवर्तन बड़ा होगा। इस पूरे समीकरण को देखते हुए क्या लगता है कि 28-30 सीट पे मान जाएंगे, 4-5 सीट जो है जयंत चौधरी, और जेडीयू की जहां तक बात रही, जेडीयू की बात रही, चर्चाएं हैं कि ज्यादा आधा दर्जन सीट चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि एक नीतीश कुमार की सीट हो, और एक जेडीयू की सीट हुआ करती थी सलेमपुर, बिहार की सीमा से लगा हुआ, हरकेवल प्रसाद सांसद कभी हुआ करते थे, उनके पुत्र अब जो है बीजेपी से रविंद्र कुशवाहा सांसद है, और वो दौर था जेडीयू और बीजेपी का कम्बिनेशन हमेशा से रहता था, तो सलेमपुर से हरकेवल प्रसाद सांसद हुआ करते थे। तो वो अगर पूरे समीकरण को समझें तो जेडीयू के लिए हो सकता है सलेमपुर और फूलपुर, दो पुर उनके लिए हो जाए। क्या ये सारा समीकरण मतलब 35 अखिलेश यादव 30-28 से 30 जी बहुजन समाज पार्टी, 10 के आसपास कांग्रेस, और 4-5 जयंत चौधरी, और 2 सीट जेडीयू, क्या यही समीकरण कुछ बन सकता है? ये तो इफ एंड बट्स के साथ है, हम सिर्फ एनालिसिस कर रहे हैं, लेकिन क्या ऐसी तस्वीर उभर सकती है? नहीं, बिल्कुल उभर सकती है। और एक चीज और भी है, जब ये अलायंस बन जाएगा, पिछली बार क्या हुआ था कि कांग्रेस इस गठबंधन में शामिल नहीं हुई, तो इस ये गठबंधन जब 2024 का बनेगा और नीतीश भी यूपी से लड़ेंगे, तो एक बहुत बड़ा फैक्टर पूरे नॉर्थ इंडिया में, आपने एक स्टेट का नाम नहीं लिया, आपने पंजाब का नाम नहीं लिया, पंजाब से ही बसपा का जो बसपा की जो उत्पत्ति वो पंजाब से ही हुई है, काशी नाम पंजाब से ही है, और हिमाचल में भी बड़ी बड़ी अच्छी खासी संख्या में दलित हैं, उत्तराखंड पंजाब में इस देश में सबसे ज्यादा दलित,
पंजाब में 34%, 34%। तो आप समझिए कि जैसे ही ये गठबंधन होगा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट अभी डिक्लेयर नहीं है, तो दो तरफा भाजपा इंडिया गठबंधन को फायदा होगा। एक तो कुर्मी जम के वोट करेगा नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने के लिए, और दूसरा पूरा दलित जम्मू से लेकर हिंदी बेल्ट में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, सब जगह जो है वो बहन जी को प्रधानमंत्री, संभावित प्रधानमंत्री के रूप में, क्योंकि ये आप दिख रहा है साफ साफ कि दलित को प्रधानमंत्री बनाने में इंडिया गठबंधन को बहुत फायदा है। और नीतीश को सब लोग जानते हैं कि नीतीश की बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षा नहीं है, लेकिन जब आप नाम ओपन करके नहीं जा रहे हैं तो 28-30 सीटें यूपी में मिल रही है, बाकी स्टेट में अगर आपको 6-7 सीटें मिल जा रही है, तो बसपा के लिए सबसे बड़ी बात कि वो रिवाइव हो, जहां उसका वोट बैंक 13% पे चला गया था वो बढ़ेगा। प्लस बहन जी ये चाहती हैं कि बसपा वापस मजबूत हो जाए, ताकि जो उनका भतीजा आकाश आनंद, उसका वो भविष्य इंश्योर करना चाहती है। और एक बात और भी थी कि बहन जी पूरे कैंपेन में प्लानिंग ये थी, हम लोगों ने एक दिन पहले डिबेट भी की थी, यूपी उत्तराखंड के हर लोकसभा में वो दौरा करेंगी। तो यूपी उत्तराखंड, बगल में हरियाणा है, बगल में पंजाब है, पंजाब हरियाणा छोटा सा है, राजस्थान, मतलब पूरा नॉर्थ इंडिया पे फोकस करेंगी। तो ये मुझे जो आज का जो कॉन्फिडेंस दिख रहा है, जो मेरी अपनी सोर्सेस से बात हुई है, उसे लग रहा है कि ये लगभग तय है कि अब ये गठबंधन मूर्त रूप आ रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो बेचैनी मैंने भाजपा के खेमे में देखी है, वो बेचैनी मुझे आज तक अभी तक महसूस नहीं हुई थी, लेकिन इस खबर के आने के बाद से बेचैनी बहुत हो गई। अब ये सोचिए कि भाजपा के एक जो संजन थे वो कहते कि ओम प्रकाश राजभर हम लोग की कुछ सीटें बचा देगा, ये सोचिए ओम प्रकाश राजभर के भरोसे है। अच्छा, मतलब अब मैं समझना चाहूंगा रोक करके, मैं बड़ा क्लियर चाहता हूँ हमारे व्यूअर्स जो रहे बड़ा क्लियर समझे। अब बीजेपी के भीतर ये भी बात होने लगी कि कुछ सीटें बचा देंगे, ये देखिए डिफेंसिव मोड होता है, जब ये आ जाए कि चलो कुछ बच जाएगा, यानी बहुत कुछ जा रहा है कुछ बच जाएगा, क्या ऐसा भाव भाजपा में है? नहीं, अब तो आ रहा है, अब तो दिख रहा है साफ। हाँ, अब ये जो डेवलपमेंट हुआ है, और कल अमित शाह ने जो मैसेज दिया है कि 14 या 15 को 16 तारीख के पहले अयोध्या के में जो धार्मिक अनुष्ठान है 16 जनवरी से शुरू होने वाला है, 22 तारीख को वहां प्राण प्रतिष्ठा है, तो 16 के पहले ही जो मेरे सूत्र है वो कह रहे हैं कि 16 के पहले यूपी में मंत्रिमंडल में फेरबदल हो जाएगा, ओम प्रकाश राजभर को एक अच्छा मंत्रालय दिया जाएगा, और भी कई चौंकाने वाले फैसले हो सकते हैं। तो भाजपा एक तरफ तो ये देख रही थी कि हम तो भाई राम मंदिर लेके आएंगे और हम जीत जाएंगे, तो वो बिहार में नीतीश को घेरने वाली थी, नीतीश उठ के यहाँ चले आए। और बहन जी का जो स्टेटमेंट उस दिन था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, याद करिए कि कब किस पॉलिटिकल पार्टी को किसकी जरूरत पड़ जाए, बहुत मैच्योरिटी वाला स्टेटमेंट उन्होंने दिया था, जिस दिन आकाश आनंद को उन्होंने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, उस दिन बहन जी का स्टेटमेंट सुन लीजिए। और कई लोग ये कह सकते हैं कि कांग्रेस को क्यों आगे किया, एक सोची समझी रणनीति के तहत किया गया। अभी लोगों को याद होना चाहिए कि अभी वो अखिलेश जी हमेशा दिल्ली जाते रहते हैं, दिल्ली में कहां जा रहे हैं, किससे मिलने जा रहे हैं, ये लोगों को पता नहीं चलता, लेकिन ये पूरी बातचीत पहले से ही हो रखी है। और उसको मूर्त रूप में पहले भी मैंने एक बार कहा था कि जनवरी अंत आते आते बहन जी भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन जाएंगी। और अब देखिए चुनाव जो लड़ता है वो कार्यकर्ता लड़ता है, तो अब जो गठबंधन है, जो एक बड़ा वर्ग है जो अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहा है, पहली बात। दूसरी बात, बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है, और कैडर इतना एक्साइटेड हो जाएगा, मतलब अखिलेश यादव का कैडर हो जाएगा, जेडीयू का कैडर, आपने जो सही नाम लिया सलीमपुर का नाम लिया, और एक ये जो रूट की आप बात कर रहे हैं ना, इस रूट में कुर्मी वोट बैंक बहुत महत्वपूर्ण है, लखीमपुर में, शाहजहांपुर में, बरेली में, तो ये पूरा गंगा का जो बेल्ट है ना, ये कानपुर देहात, मतलब आप आ रहे हैं इलाहाबाद से, रायबरेली, अमेठी, तो पूरा बेल्ट ऐसा थोड़ी होगा, वो पदयात्रा में लोग फतेहपुर से भी आएंगे, कानपुर इनका बहुत बड़ा गढ़ रहा है कांग्रेस का, मतलब 2009 तक उनके पास तो सीट रही है, वो सीट, हाँ, बड़ा गढ़ रहा है।
और तो ये जो और तो ये पूरी जो प्लानिंग है अब लग रहा है कि मुकाबला आप बराबरी का है, और इसमें एडवांटेज अब इंडिया को, मतलब इंडिया गठबंधन को यूपी में साफ दिख रहा है, क्योंकि बीजेपी अब डिफेंसिव में जा रही है। मैंने कहा ना कि अब बीजेपी, मैंने पहले भी कहा था कि बीजेपी के लिए ये सरदर्द है कहीं, बल्कि चूंकि कृष्णा पटेल, अनुप्रिया पटेल की माता जी वो ऑलरेडी इंडिया गठबंधन में है, उनकी बहन सपा के टिकट पे, सपा के सिंबल से विधायक बनी हुई है, तो कुछ भी संभव है। मतलब राजनीति में कुछ भी संभव, चुनाव के पहले या चुनाव के नहीं, बाद। लेकिन कुछ भी संभव में एक बात और समझना है। आपने जो कहा है शपथ ग्रहण, तो ये मुझे तो लग रहा है कि कितनी तारीखें पड़ चुकी है शपथ ग्रहण की और राजभर साहब की। पहले नवरात्रि था कि नवरात्र में शपथ हो जाएगा, फिर दिवाली आई थी, इस बार खिचड़ी आई है। क्या इस बार कांग्रेस के इस फॉर्मूले से, कांग्रेस क्या कहें, सबको आप उसमें शामिल करिए, कांग्रेस, मायावती, अखिलेश यादव, इनके इस फॉर्मूले से भाग्योदय हो गया ओम प्रकाश राजभर का। ओम प्रकाश राजभर मंत्री अपने वजह से नहीं बन रहे हैं, जो दबाव इंडिया अलायंस की तरफ से और नए जो इसमें नए समीकरण बन रहे हैं बहन जी के आते आ, आ, को आते हुए देख करके, उस समीकरण की वजह से घबराई हुई बीजेपी, क्योंकि ये कहीं से भी लग नहीं रहा था कि 22 से पहले कोई शपथ ग्रहण होगा, कोई विस्तार होगा। लेकिन आपने भी बताया, मैं अभी कुछ और मीडिया रिपोर्ट्स देख रहा था, उसमें भी ओम प्रकाश राजभर ने भी दावा किया है कि 14 से 22 के बीच ही मैं शपथ ग्रहण करूंगा। तो ये क्या वही दबाव है जो अभी हम, जिसकी चर्चा उस वक्त में शायद मेरा ध्यान नहीं गया कि कुछ ऐसी भी स्थिति यूपी में पैदा हो रही है, ये जानकारी उसके बाद आपके जरिए आई हमारे तक। तो क्या ये एकाएक जो राजभर ने कहा कि हाँ शपथ ग्रहण का हो गया 24 से 22 के बीच में, जो अब तक नहीं हो पा रहा था, क्या इसी समीकरण से परेशान होकर के बीजेपी ने कहा कि चलो जो है वही बचा लो, राजभर को ही रोक लो? जब भाई सिंपल सी बात है, जब आपको अभी तक लग रहा था कि इंडिया गठबंधन नहीं काम करेगा, अब जब दिख रहा है कि हर चीज में बहुत क्लियर कट समन्वय हो रहा है, प्लस जब न्याय यात्रा का कल कल ही अनाउंस किया गया, उनको पता चला कि इतने जगहों पे जा रहे हैं, और अखिलेश जी कुछ नहीं बोल रहे हैं, मायावती भी बोल रहे हैं कि राजनीति में कब किससे समझौता करना पड़ सकता है, तो चीजों को लोग वॉच कर रहे थे, वो पूरी कोशिश यही कर रहे हैं कि यहां तक, मुझे तो एक जानकारी बता रहे थे भाजपा के, कि लव कुश को भी, वो लव कुश को बोल रहे थे उनकी वजह से, कुर्मी बिरादरी के वो, मतलब कुछ जोड़ रहे थे, लेकिन मैं उतना ज्यादा जानकार नहीं हूँ उस समय कि, और 25,000 लोगों को रोज दर्शन कराने की बात हो रही है, और ये जो खबर आई है, मतलब एक चर्चा चल रही थी ना कि ये तो सोच रहे थे कि 22 जनवरी के बाद तो हमको अब चिंता ही नहीं करनी, अब हमको 22 जनवरी के बाद सीधे जाके 16 मई को सिर्फ सर्टिफिकेट लेना है जीत वाला, तो कहां 70-80 की बात आ रही थी, और कहां डैमेज कंट्रोल की बात हो रही कि 64 से हमारे पास फिलहाल 65 सीटें हैं, 65 में जितने कम से कम का नुकसान हो, तो इसमें ये भी आ रहा है कि ओम प्रकाश राजभर को 3 सीटें मिलने वाली है, वो दो, मतलब वो जितनी मांग रहे तुमको देने, वो देने जा रहे हैं, तो ये बड़ा ही, मतलब यूपी का जो सीन है ना, वो उत्तर प्रदेश का, वो बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है, और जो खबरें आई हैं। इसको बड़े गौर से देखना पड़ेगा। दरअसल अभी ये सब कुछ, मैंने बार बार, मैं दर्शकों से कहता हूं कि इफ एंड बट्स के बीच जो खबरें पूरे दिन अलग अलग साथी सहयोगी तमाम मीडिया हाउसेज, हम अन्य मीडिया हाउसेज की रिपोर्ट्स को भी देखते हैं, जो खबरें मिलती हैं उनका विश्लेषण करने की कोशिश करते हैं, आलोक जी हैं वो लखनऊ में खबरें निकालने की कोशिश करते हैं, तो इफ एंड बट्स के साथ जब ये तस्वीर फाइनल होकर के सामने आए, तब इस पर और बेहतर तरीके से हम सोच समझ सकते हैं। जैसे भी आलोक जी ने कहा कि 3 सीटें, 3 की 3 देने को तैयार है, हो सकता है ये तस्वीर जब सामने आ जाए तो बीजेपी कहे कि आप 3 मांग रहे थे ना, 2 हम और दे रहे हैं, 5 पे लड़ो, हम उसमें लड़ेंगे ही तो नहीं 2 पे। और तो उसमें तो स्थितियां यही ऐसे भी खबर आ बदलती गई, हैं सियासत में, इसमें राजनीति अनुप्रिया में। पटेल को भी फायदा होने वाला है, अनुप्रिया हाँ, अनुप्रिया पटेल, पटेल दरअसल भाजपा के ये छोटे छोटे साथी हैं, इनकी बार्गेनिंग पावर, ये समीकरण जैसे ही फाइनलाइज हुआ, इन सब की बार्गेनिंग पावर बहुत बढ़ जाएगी। आखिरी एक टिप्पणी, 30 सेकंड, बहन जी जयंत चौधरी, नीतीश कुमार, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अखिलेश यादव, इस पूरे के पूरे मोर्चे के उत्तर प्रदेश के अगुवा,
इस पूरे समीकरण में एक बीच से गुजरने वाली है भारत जोड़ो न्याय यात्रा। इस न्याय यात्रा से क्या, अगर ये सब कुछ फाइनल होता है, क्योंकि मनमुटाव की खबरें दिन भर गोदी मीडिया चलाता रहता है, क्या अखिलेश यादव इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा में हिस्सेदारी करेंगे? क्योंकि अगर करते हैं तो इससे सिर्फ कांग्रेस नहीं, इंडिया अलायंस को बड़ी ताकत मिलेगी। और लखनऊ से यात्रा होकर के गुजरने वाली है, तो हो सकता है कोई मेगा इवेंट भी प्लान कांग्रेस करे, या अखिलेश यादव उनको कोई सुझाव देने वाले हैं। कुछ ऐसी खबर है तो आप बताइए, इसके बाद सुख। देखिए, दो चीजें मैं क्लियर कर दूं। एक तो उसमें तो मुझे लगता है कि बहन जी भी शामिल होंगी, जहां तक मेरे पास पुख्ता जानकारी कि इस बार बहन जी भी लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रही है। अच्छा, तो सीट या तो अम्बेडकर नगर हो सकती है या फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बिजनौर या कोई और सीट हो सकती है। तो आप समझिए कि नीतीश कुमार भी चुनाव लड़ेंगे, अखिलेश यादव भी लड़ेंगे, मायावती भी लड़ेंगे, और भाजपा के उस सूत्र का तो कहना यह है जो पहला रिएक्शन था कि भाई अमेठी तो बुरी तरह हारेंगे, और अमेठी हारेंगे मतलब इम्पैक्ट सुल्तानपुर में भी जाएगा, रायबरेली में भी जाएगा। तो ये जो तमाम चीजें हैं, अगर ये वास्तव में अगर जैसा जैसा आपकी खबर ये हो गई साबित, तो अब जो है आम आदमी को विश्वास हो जाएगा कि ये गठबंधन मोदी को रोक सकता है। तो भाजपा का वो सपोर्टर जो इसलिए कंफ्यूज होकर भाजपा को वोट दे रहा था कि अरे यार ये मोदी को अल्टरनेटिव नहीं है, लेकिन जिस दिन ये एहसास हो जाएगा कि नहीं मोदी को अल्टरनेटिव है और ये मजबूती से जमीन पर लड़ते दिख रहे हैं, तो भाजपा के लिए फिर जो है वो कितना डैमेज कंट्रोल करेंगे ये कहना बड़ा मुश्किल है। 64 से कितने पे आएंगे, क्योंकि इनके अंदर के भी कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा है, अंदर के भी कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा है। तो भाजपा के लिए सिर्फ ये चुनौती नहीं है कि मतलब इंडिया अलायंस जमीन पर उतर रहा है, चुनौती ये है कि अपने अंदर में भी जो 6-7 मतलब एक उनका ये कहना था कि 7 साल का योगी जी का जो अड़ियल रवैया है वो भी उससे कितना डैमेज होगा। तो तमाम चीजें हैं। फिलहाल उत्तर प्रदेश में 14 जनवरी को नया सूरज का उदय होने आ रहा है। चलिए इंतजार करते हैं हम इस पूरी तस्वीर को। ये जो आपने एक रेखा चित्र बनाया धुंधला सा भी पेंसिल से, हम इंतजार करते हैं कि ये फाइनल हो, ये पेंसिल से बना हुआ बाद में स्केच से फाइनल हो जाए ये तस्वीर। अगर ये तस्वीर फाइनल होती है तो उत्तर प्रदेश की सियासत में 2024 में उत्तर प्रदेश में जो समीकरण बनेंगे वो बड़ा उलटफेर हो सकता है, उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा उलटफेर हो सकता है। और ये समीकरण साफ होने के बाद हम एक एक सीट पर, क्योंकि फिर एक एक सीट का कैलकुलेशन करना थोड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि 1-to-1 मुकाबला होगा, फिर मायावती थर्ड फैक्टर तीसरी पार्टी बन करके खड़ी नहीं नजर आएंगी। तो 1-to-1 में एक एक सीट का एनालिसिस फिर हम आपके सामने लेकर के आएंगे। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए, लेकिन जो भी खबर कहीं से भी मिलेगी उस खबर को पुख्ता होने तक हम भी नहीं उसको कहेंगे कि नहीं ये खबर हम बता रहे हैं आप मान लो, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं कहते हम। बाकी जगहों से बाकी चैनलों से हम इस मामले में डिफर करते हैं, भले कोई हमसे थोड़ा सा नाराजगी होकर, हम आप तक खबरें जो आती है उसको पहुंचाते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं। आप हमारे वीडियोज को खबरों को देखने के बाद आप भी उनको अपने तर्कों की कसौटी पर कसिए और देखिए कि क्या ये एनालिसिस संपूर्ण है, सटीक है, नहीं है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। कमेंट बॉक्स को भी हमारी टीम लगातार पढ़ती है, कमेंट्स को आपके, उन कमेंट्स को भी हम आगे के अपने विश्लेषण में एनालिसिस में शामिल करते हैं, तो आप उसमें सुझाव दें। और जब ये खबरें पक करके बिल्कुल पुख्ता होकर के बाहर आती हैं तो फिर हम अपने आप को अपडेट भी करते हैं। फिलहाल आप हमारे विश्लेषण को, हमारे एनालिसिस को, हमारे खबरों के पीछे की जो खबरें निकाल के लाते हैं इनको देखने के लिए न्यूज लॉन्चर पर जुड़े रहिए, यही सहयोग हमारी ताकत है। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।